बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.7 की तरफ आ रहे हैं, मैथमेटिक्स और क्लास 9। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट क्वांटिटीज। ठीक है, सो इससे पहले वीडियो में हम शॉर्ट क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके टाइप्स मुख्तलिफ, वो आई कार्ड में भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को चेक करें। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पास आ रहे हैं कि इसमें शॉर्ट क्वांटिटी आप लोगों ने बताने कि कौन कौन से शॉर्ट्स है और कौन कौन से शॉर्ट्स नहीं है। सो शॉर्ट्स के लिए प्रीवियस वीडियो में हम ये तीन कंडीशन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पास ए पावर एन शॉर्ट थंब होगा, नंबर फर्स्ट कि एन मस्ट बी अ नेचर नंबर, ये एन आप लोग पास नेचर नंबर होना चाहिए। ए मस्ट बी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये ए आप लोग पास रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल ना हो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट इसको इस जो इससे जो रिजल्ट आएगा दिस मस्ट बी इरेशनल, अगर इससे जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो रेशनल है फिर भी वो शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, सो हम बारी बारी एक एक पार्ट को चेक कर देते हैं। सो फर्स्ट वन इज 81 क्यूबिक रूट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज 81 क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट ऑफ 81। सो इसको आप लोग चेक करें, फर्स्ट एन हमारे पास क्या है, नेचर नंबर है। ठीक है, इसी तरह 81 जो है वो आप लोग चेक करो, दैट इज रेशनल नंबर। 81 खुद क्या है, रेशनल नंबर है। सो लास्ट कंडीशन के लिए आप इसको हम चेक करते हैं, अगर ये इरेशनल हो। ठीक है, लेट्स से अब अगर ये स्क्वायर रूट हो तो फिर तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, इससे रिजल्ट 9 आ रहा है। ठीक है, सो स्क्वायर रूट के लिए तो ये क्या है, दैट इज रेशनल, शॉर्ट नहीं होगा। लेकिन क्यूबिक रूट के लिए चेक करते हैं, लेट्स से मैं 3 raised to power 3 इसको चेक कर देता हूं, ये कैंसिल हो तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है, सो 3 raised to power 3 से हमारे पास 27 आ रहे हैं। ठीक है, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 दैट इज 27। सो इसका मतलब ये कि ये 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए चलो ट्राई करें, 4 multiplied by 4 multiplied by 4 सो दैट इज 16 multiplied by 6 64 हो जाएगा। ठीक है, वो भी 81 नहीं है। 5 के लिए चेक करें, 5 multiplied by 5 multiplied by 5 क्योंकि ये क्यूबिक रूट है। ठीक है, सो दैट इज नाउ व्हाट, इससे 1 to 5 आ रहे, सो मींस 4 वो उससे कम आ रहा था और ये ज्यादा हो रहा है, तो मींस ये किसी का भी क्यूबिक रूट नहीं है। ठीक है, हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को चेक कर रहे थे, सो दिस मींस कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, सो दिस नंबर इज व्हाट, इज अ शॉर्ट। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन इज अ शॉर्ट। ठीक है, सेकेंड वन चेक करें, सेकेंड वन आप लोगों के पास 1 plus 5 square root whole square root। ठीक है, इसमें अगर आप लोग चेक करें तो यहां पे 2 है, सो दैट इज व्हाट, एन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप इस ए को चेक करें, रेडिकल सॉरी ठीक है, सो दिस इज इरेशनल नंबर, और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव और रेशनल नंबर। इसमें आप 5 1 plus 5 दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेशनल। ठीक है, इरेशनल सॉरी, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, सो ये भी यस, दिस इज अ नॉट अ शॉर्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास शॉर्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। सेकंड कंडीशन में कह रहे कि दिस ए मस्ट बी रेशनल नंबर, ठीक है, लेकिन ये अब इरेशनल है, सो इज नॉट अ शॉर्ट। ठीक है, इसी तरह थर्ड भी आप लोगों के पास नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये 5 square root जो क्या है, दैट इज इरेशनल, सो दिस इज नॉट अ शॉर्ट। ठीक है, इसी तरह फोर्थ वन को अगर आप लोग चेक करो, फोर्थ वन हमारे पास आ रहे 32 raised to power 4। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे, इन इन इज व्हाट, इन इज 4, सो दैट इज इंटीजर। सेकंड भी आप लोग इसको चेक करें, 32 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है,
लेकिन थर्ड के लिए हम अब इसको चेक करते हैं कि आया ये आपके पास इससे जो होल रिजल्ट आ रहे ये इरेशनल है कि नहीं। ठीक है, सो रेशनल के लिए हम इसको चेक करते हैं कि आया ये रेशनल नंबर है या नहीं इसका रिजल्ट। सो फोर रेस्ट टू पावर फोर मीन्स, चलो इसको मैं इस तरह चेक कर देता हूँ, टू रेस्ट टू पावर वन और फोर। सो इसको चेक करें कि ये 32 के बराबर आ रहे कि नहीं। टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, टू टू ज़ार फोर एट और 16। सो ये 32 से कम है। थ्री के लिए चेक करते हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, नाइन नाइन 81। ठीक है, इससे क्या 16 आ रहा था और इससे 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 आ रहे। सो मीन्स 32 ना 2 रेस टू पावर 2 से 32 आ रहे और ना 3 रेस टू पावर 4 से। ठीक है, 3 रेस टू पावर 4 से आपके पास फिर 81 आ रहे, ज़्यादा हो रहे, और 2 रेस टू पावर 4 से 16 आ रहे। अगर लेट से ये इस तरह होता से 16, तो अगर आप इसको लिख सकते थे डायरेक्ट 16 को मैं लिख रहा हूँ क्या, 2 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 4 होल रेस टू पावर 1 बाई 4। सो ये आपस में कैंसिल हो रहे, सो द रिजल्ट इज 2। अब इस 2 को अगर आप लोग चेक करोगे, सो दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है 2। सो फिर हम इसको सर्ड नहीं कह सकते, लेकिन ये सर्ड है। क्यों सर्ड है? क्योंकि 2 रेस टू पावर 4 से 16 आ रहा है, मीन्स वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। इस तरह 3 रेस टू पावर 4 से 81 आ रहे, सो 16 और इसके दरमियान ये आ रहा है 32। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ सर्ड। ठीक है, ये रेशनल, इससे होल रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। सो ये आपके पास फिर क्या आ रहा है, फोर्थ वन इज अ सर्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे फाइव की तरफ, फोर फाइव। सो फाइव आपके पास अगर आप इसको चेक करो, दैट इज पाई। पाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दैट इज व्हाट, ये इरेशनल नंबर है लेकिन सर्ड नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, इसको हमने कहा था, अगर आप लास्ट वीडियो को चेक करें, इसको हमने कहा था यूलर नंबर, यूलर्स नंबर। ठीक है, सो ये भी सर्ड नहीं है, इट इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, ये भी सर्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे लास्ट वन की तरफ, वन प्लस पाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस इज आल्सो नॉट अ सर्ड। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ए मस्ट बी रेशनल नंबर, सो ये इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर है, इस तरह ये भी इरेशनल नंबर है। सही, हमने लास्ट, अगर आप लोगों को याद हो, उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों के पास जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक को हमने कहा था सर्ड और दूसरे को हमने यूलर नंबर, जिसमें पाई और आप लोगों के पास ई रेस टू पावर। ठीक है, तो और बाकी जो आप लोगों का टू स्क्वायर रूट, थ्री स्क्वायर रूट, फाइव स्क्वायर रूट, ठीक है, दीज आर कॉल्ड सर्ड। ठीक है, ये भी इनमें भी कॉमन कोई भी नहीं है। ठीक है, सो ये दोनों रेशनल नंबर है लेकिन इसको सर्ड कहा जाता है और दीज आर कॉल्ड यूलर नंबर। ठीक है, नंबर थ्री से पहले हम सर्ड्स के अर्थमेटिक्स मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास ये दो सर्ड्स है, लेट्स से थ्री स्क्वायर रूट प्लस टू स्क्वायर रूट, तो एडिशन में हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि थ्री प्लस टू होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये अलहदा सर्ड है, ये अलहदा सर्ड है, इनको हम कंबाइन एडिशन में बल्कि सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में फिर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल है। ठीक है, थ्री इंटू टू होल स्क्वायर रूट,
ठीक है, ये हम ऑलरेडी वो मेथड पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास ये हो तो उसको आप इकट्ठा वो लिख सकते हैं, मींस एक्स रेस्ट टू पावर 1/2 इनटू वाई रेस्ट टू पावर 1/2। इसको अगर आप लिखोगे तो चूंकि दोनों का ये दोनों का पावर है एक्स इनटू वाई रेस्ट टू पावर 1/2, ठीक है, ये एक्स का भी पावर है और वाई का भी पावर है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन में दो सर्ड आप कंबाइन इस तरह स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं, इस तरह डिवीजन में भी आप कर सकते हैं। मसलन डिवीजन मींस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, सो इसको मैं एज ए होल 3/2 होल स्क्वायर रूट लिख सकता हूं, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन और उसमें आप कंबाइनली लिख सकते हैं डिवीजन में, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि लेट सपोज एडिशन में हम अगर दो सर्ड्स हैं, लेट से मैं लिख रहा हूं 3 स्क्वायर रूट, बल्कि इसके साथ तो लिख रहा हूं 4 प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर रूट। सो अगर आप लोग चेक करो तो दोनों सेम है, मैं कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। सो मींस 4 प्लस 7 और इससे मैं कॉमन क्या ले रहा हूं 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इससे रिजल्ट क्या आएगा 11 इंटू 3 स्क्वायर रूट। सो नेक्स्ट टाइम मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कि अगर दोनों सर्ड सेम हो, अगर डिफरेंट है, लेट्स से ये 2 है और ये 3 है, तो फिर नहीं लिख सकते, फिर कॉमन भी नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन अगर ये सेम है तो फिर इससे मैं कॉमन लिख सकता हूं। नेक्स्ट टाइम बजाय कि इसको मैं इस तरह सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 4 प्लस 7 11 अंडर रूट 3, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा, सही है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी आप कर सकते हैं, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, सो 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3, ठीक है। सो इस तरह कर सकता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि आप लोग इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ भी और 5 स्क्वायर रूट के साथ, इसी तरह माइनस 3 स्क्वायर रूट जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो मीन्स 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, इसी तरह नेक्स्ट माइनस 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 और आप लोगों के पास आएगा 3 स्क्वायर रूट इंटू, ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, दैट इज 5 स्क्वायर रूट। सो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे दैट इज 6 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस, ये आपने पास 3 को मैं पहले लिख रहा हूं और 3 स्क्वायर रूट और इससे क्या आ रहे, सॉरी ये भी माइनस आ रहा है आपने पास, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होल स्क्वायर रूट लिख सकता हूं और बजाय इसको मैं इस तरह लिखूंगा, सो दैट इज व्हाट, दैट इज 15 स्क्वायर रूट, ठीक है, 3 इंटू 5 15 स्क्वायर रूट से ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पास जो है पार्ट 2, दैट इज 3 स्क्वायर रूट माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 1, ये भी इसी तरह आप लोग इस 3 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ और फिर 1 के साथ, इस तरह माइनस 4 मल्टीप्लाई करो 2 स्क्वायर रूट के साथ और 1 के साथ। सो मैं कर रहा हूं दैट इज 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, ये और फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर रूट, इस तरह माइनस 4 को आप करें, माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट और लास्ट में क्या रहे, माइनस 4, सो दैट इज 3 टूज आर 6, डायरेक्ट मैं स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं प्लस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होने पे माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट और माइनस 4, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास है, उसको भी आप इस तरह मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट और प्लस 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं आप लोगों के पास
थ्री स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। सो थ्री स्क्वायर रूट इंटू फाइव स्क्वायर रूट प्लस थ्री स्क्वायर रूट इंटू टू स्क्वायर रूट। सो इसको मैं टू इंटू फाइव होल स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ प्लस टू इंटू टू स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस थ्री इंटू फाइव स्क्वायर रूट और प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर रूट, ठीक है। इससे आ जाएगा क्या, टेन स्क्वायर रूट। इससे हम फोर आ रहे, फोर स्क्वायर रूट इज टू, या टू में से एक टू आप बाहर निकाले, प्लस फिफ्टीन स्क्वायर रूट और वो क्या हो जाएगा, दैट इज सिक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहे, फोर्थ वन, दैट इज थ्री, सिंपल थ्री स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, थ्री माइनस टू इंटू थ्री स्क्वायर रूट और नेक्स्ट थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको आप प्रीवियस मेथड क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री की तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि थ्री इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, उस मेथड से आप लोग ट्राई करें और मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, सेम है ये दोनों, और इस तरह थ्री थ्री भी इक्वल है। सो मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मीन्स ए स्क्वायर थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से क्या जाएगा नाइन, ठीक है, यहां से नाइन आ रहा है और यहां से टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, ठीक है। सो मैं लिख रख देता हूं, चलो, क्योंकि ये होल स्क्वायर इस टू का भी है और थ्री स्क्वायर रूट का भी है। सो यहां से आ रहे नाइन माइनस फोर इंटू थ्री हो जाएगा। सो द रिजल्ट इज नाइन माइनस ट्वेल्व विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। उस मेथड से भी आप लोग करें, रिजल्ट आप लोगों का यही माइनस थ्री होगा, ठीक है। थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस थ्री टू जा, बाकी चलो डायरेक्ट लिख देता हूं, थ्री थ्री जार नाइन, ठीक है, इसके साथ अब ये थ्री इज टू के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो थ्री टू जार सिक्स थ्री स्क्वायर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस ये प्लस आ रहा है, ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, थ्री टू जार अगेंस्ट क्या है माइनस सिक्स इंटू थ्री स्क्वायर रूट, और इसको करे दैट इज टू टू जार फोर माइनस फोर थ्री स्क्वायर रूट इंटू थ्री स्क्वायर रूट। ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो रहे, सो वही ए स्क्वायर और ये अगर आप लोग चेक करें बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू इनमें से एक ले ले, ठीक है। सो दैट इज अगेन नाइन माइनस ट्वेल्व विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। सो दोनों मेथड से आप लोगों के पास माइनस थ्री ही आ रहे। सो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अल्लाह हाफिज।